कोई अपने अपने घर पे तिरंगा लगाए, है ना? हर घर तिरंगा होना चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हमारे निःशुल्क शिक्षा केंद्र जो चलते हैं उसमें टेंपल रोड में आज प्रभात फेरी कराई गई, जिसमें पूरी बस्ती में बच्चे हमारे अपील के साथ आगे बढ़े कि घर घर तिरंगा लहराया जाए। लेकिन अभी ये कुछ ऐसे नियम कायदे कानून बनाए गए हैं जिसके चलते ये है कि उसका सम्मान करते हुए आप अपने घरों में तिरंगा ज़रूर लगाएं। और जो एक इनिशिएटिव लिया गया है कि घर घर तिरंगा हो, क्योंकि जब तक हम तिरंगे में रम नहीं जाएंगे, ट्राई कलर्स में पूरी तरीके से खुद को घोल नहीं देंगे, तब तक हम इसके मायने नहीं समझ पाएंगे। और ये तो बच्चे हैं, कल का भविष्य है, और अगर अभी से उनके अंदर ये जोश पैदा होता है, ये जुनून अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति एक पैदा होता है कि हाँ उन्हें कुछ करना है जीवन में और समाज को आगे बढ़ाना है, तो शायद कल का भविष्य एक सुनहरा भविष्य होगा। और भी हैं तभी शायद आज वो जोश जुनून देखने को मिला है कि छोटे से छोटे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और घर घर जाकर के अपील करी कि हमारे घरों पे तिरंगा होना चाहिए। ही हमारा कहना है कि भारत मुस्कुराएगा, हर घर झंडा तिरंगा लहराएगा। आज कैंपलो सेंटर पे यूनिटी पाठशाला के बच्चों ने भव्य रैली का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने भारत माता की जय का नारा लगाया, लहराएगा। उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने एक रैली का आयोजन किया। घर घर तिरंगा लहराएगा, घर घर तिरंगा लहराएगा, घर घर तिरंगा लहराएगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम।